एमर्जिंग एशिया कप में भारत को फाइनल में पाकिस्तान के हाथों से हार झेलनी पड़ी, लेकिन जैसे ही यह हार हुई तभी इस कप और मैच को छोड़कर चर्चा हुई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एमर्जिंग एशिया कप को छोड़कर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की चर्चा हुई, तो हम बता देते हैं कि आपको ऐसा क्यों हुआ। दरअसल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था और एमर्जिंग एशिया कप में भी भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची। इसके अलावा कई और समानताएं भी भारतीय टीम के सफर की इस दोनों ट्रॉफी में देखने को मिली। एमर्जिंग एशिया कप में ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान टीम आमने सामने हुई थी। इस मैच में भारत ने 8 विकेट से एक तरफा जीत दर्ज की। ऐसा ही कुछ देखने को मिला 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां पर ग्रुप स्टेज में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 319 रन बनाए थे और पाकिस्तान की टीम महज 164 रन पर ढेर हो गई। एमर्जिंग एशिया कप में भारत ने फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला था और इत्तेफाक देखें कि 2017 में भी फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। एक और बड़ा इत्तेफाक इस मैच में देखने को मिला, 2017 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान को आउट कर देते हैं, लेकिन यह गेंद नो बॉल हो जाती है और फखर जमान एक शानदार इनिंग्स खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान डालते हैं। तो वहीं एमर्जिंग एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भी कुछ ऐसा देखने को मिला। यहां पर भारतीय गेंदबाज हांगरेकर ने चौथे ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाज संयम अयूब को आउट किया, लेकिन यह गेंद नो बॉल रही और पाकिस्तान का बल्लेबाज बच गया। जब यह गेंद नो बॉल हुई तो पाकिस्तान की टीम का स्कोर 36 रन था और आगे चलकर पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने 121 रन बनाए और भारत की हार का कारण भी यही बना। एक और आखिरी इत्तेफाक रहा टूर्नामेंट का नतीजा। दोनों टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जीत हुई, लेकिन यह दोनों जीत में कुछ समानता यह रही कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और 300 से ऊपर रन बनाए और दोनों मैचों में पाकिस्तान ने एक तरफा जीत हासिल की। तो आप एमर्जिंग एशिया कप को किस तरह देखते हैं? क्या आप भारतीय टीम के प्रदर्शन से खुश हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।